हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पीएट बाबा। मेरा नाम है अर्शद अग्रवाल। आज डेट है 15 जुलाई 2021 और अभी हम हैं लद्दाख की लेह सिटी में और हम जा रहे हैं शांति स्तूपा घूमने। नहीं घूम तो हम पहले चुके हैं, आज हम जा रहे हैं शांति स्तूपा सफाई करने। अभी टाइम हो चला है सुबह के 8 बजने में 8 मिनट बाकी हैं और मैंने 8 बजे का ही टाइम दिया है कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। रात को पता है मेरा नाइट शिफ्ट होता है, लेट सोता हूँ, लेकिन भाई जीवन में इतने बुरे काम किए हैं, अगर एक अच्छा काम करने का मौका मिला है जग जाओ यार। सोते तो रोज है ना। शांति स्तूप की सफाई करने के बाद बचता है ये रिवर। ये नाला वही है जब ऊपर नहा रहे थे, याद है आपको? यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर से आ रहा है, एक ग्लेशियर का पानी है। और भाई जहाँ हम नहा रहे थे इतना स्वच्छ कर रखा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट कह लो, कोई भी लोकल कह लो, किसी एक की बुराई नहीं करेंगे, उन्होंने गंदा कर दिया है प्लास्टिक फेंक के। सामने दिख रहा है आपको इस पहाड़ पर टॉप, यही है शांति स्तूपा, यहीं तक ही पहुंचना है हमें चढ़ चढ़ के। वंडरफुल शांति स्तूपा पहुंच गए हैं। पीछे दिख रहा है आपको बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा स्तूपा, ये शांति का प्रतीक है। तो भाई मिशन ऑफ क्लीनिंग शांति स्तूपा हैज बीन स्टार्टेड। लोगों ने सच में बहुत गंदगी कर रखा है इधर। कोई नहीं भाई, जब गंदगी साफ करते हैं तभी गंदगी का पता लगता है कि हाँ यार कुछ गंदा है। ओहो उड़ा मत। गीला कूड़ा है तो भाई मेरा नाम अर्शद है। ऑलमोस्ट मेरे को 2 हफ्ते हो गए लद्दाख ट्रैवल करते हुए, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ कहीं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ लोगों ने गंदगी फैलाई होती है, प्लास्टिक फैलाया होता है, बड़ा दुख होता है। तो हमारा एज अ ट्रैवलर सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ भी जाएँ सफाई रखें, अपने आसपास अगर कोई सिगरेट भी रहे तो उसको बोले फिल्टर अपने पॉकेट में रखे, डस्टबिन में फेंके, और पानी पी रहे तो डस्टबिन में बोतल डाले। मुझे 1.5 मंथ्स हुए लद्दाख में, मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, आई हैव एन्जॉयड इट अ लॉट। बट इस प्रोसेस मुझे ये भी पता चला है कि इस ब्यूटी को एन्जॉय करने के लिए इट्स नेसेसरी दैट यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। लिटर्स इधर उधर ना फेंके एंड यू नो जस्ट डू वॉट एवर यू कैन। खूबसूरत शांति स्तूपा बाबा। थैंक यू। तो गाइस अभी हम हैं शांति स्तूपा में और शांति स्तूपा में हम सफाई करना आए हैं। शांति स्तूपा लेह लद्दाख में बहुत खूबसूरत और बहुत पुराना स्तूपा है, मंदिर है, लेकिन हम जब भी आते हैं एज अ टूरिस्ट और एज अ ट्रैवलर हम गंदगी फैलाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी रीज़न से आ रहे हो, अगर आपको अपने आस पास गंदगी दिखे तो आप छोटा सा इनिशिएटिव लीजिए, जैसे हमारे भाइयों ने लिया है, सफाई कीजिए। यहाँ पर डस्टबिन है, यूज़ में यूज़ कीजिए। हमें अपने पास सफाई चाहिए, खूबसूरती चाहिए भाई। अगर हम प्लास्टिक नहीं फैलाएंगे खूबसूरती में दिखेगी, हमें खूबसूरती मंदिर में दिखेगी, नेचर में दिखेगी और इंसान में भी दिखेगी। और अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ होगा। हमारा भाई प्रवीण राजस्थान से। प्रवीण से समथिंग कहने की बात ये है कि हर इंसान के अंदर ही होता है। मुझे 5 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, होता हर इंसान के अंदर है। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे हम दो घूमते हैं तो जो भी हमारा कचरा होता है हम अपने साथ कैरी करते हैं, लेकिन बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए कोई एक सपोर्टर चाहिए होता है, उसमें पूजा का बहुत। बिल्कुल, ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप किसी को अप्रोच करोगे नो वन से नो, बिकॉज ये हमारा घर कोई लद्दाख नहीं है, हमारा घर कोई दिल्ली NCR नहीं है, हमारा पूरा ग्लोब घर है। हम
दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं हमें उसको साफ साफ रखना चाहिए। मैं एक्चुअली जब से यहाँ से हूँ पिछले 1.5 मंथ से, तो पहले लॉकडाउन था तो टूरिस्ट नहीं आते थे, तो जब मैं यहाँ पे आती थी तो यहाँ पे गार्बेज नहीं होता था। फिर मैंने अभी रिसेंटली जो चेंज देखा है तो मुझे बहुत एज अ टूरिस्ट बहुत बुरा लगा कि टूरिज्म की वजह से ये हो रहा है। और फिर मेरे दिमाग में था, बट आई थिंक आप जैसे लोगों से मिलकर जब मुझे वो लगा कि यार इतने सारे लोग सोच रहे हैं, हम सबको साथ में करना चाहिए, तो आई थिंक वो जो यूनिटी और ऐसा होता ना कि एक फीलिंग आती है टुगेदरनेस की एक कॉज में, उसकी वजह से आई थिंक ये इनिशिएटिव हमने इतना अच्छे से किया। और ये बहुत अच्छा लगा कि हमें सर जी ने सपोर्ट किया, सर यहाँ के लामा जी हैं, और मतलब कि हमें सम्मान दिया और हमें मोटिवेट किया कि आगे जाके हम ऐसा अच्छा काम करते रहें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को कन्विंस करें कि हमारे साथ जुड़ें, अपने देश को क्लीन रखें, अपनी दुनिया को क्लीन रखें, क्योंकि भाई गो ग्रीन गो क्लीन। जी बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के जो स्वच्छ भारत करने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए। जो जिस तरह से हम का यहाँ के कितने जितने भी कचरा होता है वो फैलाने वाला कोई जानवर नहीं होता है, हम इंसान ही होता है। भाई और बहनों, मित्रों साफ सफाई अच्छा होता है, स्वच्छ भारत। ये मिट्टी है ना, सीन पता क्या, ये जो पहाड़ है ना ये बहुत खुरदुरा है, ये शार्प है। लो मैं थ्रो करता हूँ, हाथ पे दे, हाथ पे दे। मैं कहाँ, रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक तरीका है, रुक जा। अब दे When collecting garbage is a fun. ठीक है। कैचे। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी हम साफ करने आए हैं रिवर। डोरजे भाई ऐसे तो घूमते रहेंगे, थैला हाथ पर रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ से जितना वहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ तक इकट्ठा हो जाए ना वो वैन में डाल देंगे ना हम। अच्छा, क्योंकि अच्छा आसान हो जाएगा, फिर यहाँ से बोरी उठा के वहाँ नीचे मेरा वैन फिर खड़ा रहेगा। फिर ऐसे करते हम, वो नहीं चश्मा नहीं है, चश्मा जहाँ से पानी वहाँ तक क्लियर करेंगे। ठीक है ना। अरे देखो पानी कितना गंदा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। दोस्तों इसी कैनल के वाटर में ही, इसी नाले के पानी में वो लोग ऊपर नहाए थे ग्लेशियर के पानी में, लेकिन नीचे आते आते बहुत गंदा हो गया है क्योंकि लोग बाग इसमें कपड़े धोते हैं। देखो ये है रीज़न। अभी शुरू ही किया है, लगभग 2-3 बोरी कचरा निकल गया है, लोगों ने बहुत गंदा कर रखा है यहाँ पर, प्लास्टिक फेंक रखा है, झाड़ू फेंक रखा है। ये देखो टूथब्रश। कितना स्वच्छ पानी है और कितना स्वच्छ पानी हो सकता है। आ हा 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 हा, इसको भर के हम पहले बाहर जाएंगे, फिर एक साथ इकट्ठा करके दोबारा लेके जाएंगे। ओए होए कितना गंदा यार, ये मौत मिट्टी कपड़े है ना यार, कपड़े से भारीपन देखना कितना होगा। दोस्तों बता दूं, ये जो कपड़े होते हैं ना ये 20-30 साल तक कम से कम गलते नहीं है, ये पड़े रहते हैं यहाँ पे और पानी को प्रदूषित करते हैं। देखो जहाँ भी जाते हैं आप गाड़ी से ऐसे थ्रो करते हैं, जैसे आपके अंदर आमिर खान गुस्सा हो, शाहरुख खान गुस्सा हो। हम पूरा तो साथ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम कदम उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाए हमसे, है कि नहीं भाई? बिल्कुल हो जाएगा, जितना हो सके उतना साफ करेंगे। चल वो है। हाँ। अभी ना है, आ रहा है क्या इसमें? पानी क्यों नहीं आएगा? बंद है? आ गया। मीठा स्वच्छ पानी हेडपंप का। गंदा आ रहा है भी। बहुत दिनों से गंदा आएगा, गंदा है तो। उधर ही पीता है, चश्मे पे पीता है, चश्मे पे।
चश्मे भी बिछा दो। अरे गंदा आ रहा, बहुत गंदा आ रहा है। तो गाइस हमारे डोबे भाई भी आ गए हैं। डोबे भाई हमारे होम स्टे के ओनर हैं। हमने रिक्वेस्ट किया, डोबे भाई आ गए। आइए दोजी। दोजी भाई आ गए हैं, वो कटर लेके आ जाओ। दोजी भैया कहाँ पहुँच गए? डाल दो। आज मतलब लगेगा। आज ब्रांड का जा रहे हैं। ये क्या है? लव लेटर। ये देखिए रसीद के लिए आया हुआ है। कबूतर लेके आया। ली लद्दाख परमिट है तो ये परमिट दिया था हमें। अरे मिल गया आपको। साफ करने मिल गया। हां ये रहा, ये होता फल। मैं यहां पे छुपा के रखा जानबूझ के। ले लो क्रेडिट, ले लो भाई। मिल गया परमिट, ले लो। मिल गया भाई, साइन की नीड है बस। मेरे पेंगोंग के लिए हमें परमिट यहां पे फ्री में दिया है दोजे भाई ने। बस अपने घोंसले में से निकाल के कहां था ये पत्थर। परमिट ऐसे होता है क्या? हां जी बस तो मिल गया। पर इस पर मेरा साइन करना बाकी है। बाकी और क्या चाहिए जिंदगी में? आलू का स्टैंप लगाते हैं हम। जेमेल लगा, जेमेल आलू का स्टैंप बनाते हैं। और ठाक चल। अभी पूरा का पूरा बैग कितना निकला यार, देख रहे हो भाई? और ये भर चुका है पूरा। डोर्ज वाइज को छाट रहे जो काम का निकाल लेंगे। रिसाइकल होगा भाई साहब। चलो भाई साहब, इतना कचरा है भाई। ये हमारी डोज भाई कचरा वाली गाड़ी, सफाई वाली गाड़ी बोलना चाहिए कायदे में। तो भाई आज का एक और मिशन सक्सेसफुल, बहुत मज़ा आया रिवर साफ करके। वाइस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हम किसी एनजीओ के पार्ट नहीं हैं। वी आर ऑल सोलो ट्रैवलर्स, हम इंडिविजुअल हैं। हम लेह लद्दाख में मिले थे, हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। लेकिन हमारा मकसद एक था, सफाई, कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि हमारा जितना भी इनिशिएटिव था आपको अच्छा लगा, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और लेह लद्दाख में ही हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो भाई इनिशिएटिव लीजिए। आप स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, जैसा पूजा ने स्टार्ट किया। तो गाइस थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि भाई पूरी दुनिया में कचरा ही ना रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। झूले गो ग्रीन गो क्लीन।